तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रायान। आज की वीडियो में देखो ट्रैक्सल्स की मोस्ट फास्टेस्ट ऑफ रोडर आरसी कार की डिलीवरी लेने के लिए मैं जाने वाला हूँ। सामने खड़ा है ट्रक, इसी के अंदर है हमारी कार। तो इसको मैंने खरीदा है hobbycentral.in वेबसाइट से। यहाँ पर मैं समिट बोल के टाइप कर देता हूँ। देखो गाइस, ये रही हमारी कार, ट्रैक्सल्स समिट 4WD मॉन्स्टर ट्रक। इसका प्राइस पता है 79,900 रुपीज है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कार इतनी ज्यादा महंगी क्यों है। इसको मैंने 15 दिन पहले बुक किया था, तो आज हमारी कार आ चुकी है। तो चलो यहाँ ट्रक वाले भैया को बुला लेते हैं और सीधा डिलीवरी लेकर हमारे खेतों के अंदर चलते हैं। एक्चुअली इसको कल ही आना था, पता नहीं मुंबई एयरपोर्ट में कुछ दिक्कत हो चुकी थी, तो आज हमारे पास ट्रैक्सल्स की समिट आ चुकी है। अब इसको लेके चलते हैं सीधा चलाने के लिए। तो यहाँ पे रखा है हमारा कार का डिब्बा। भैया बोल रहे की मेरे को इसके ऊपर सिग्नेचर भी करना पड़ेगा ये डिब्बा लेने के लिए। डिब्बा मैंने ले लिया है, फटाफट से डिब्बे को डालते हैं कार के अंदर। एक काम करते हैं, अभी इसको सीधा अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद इसको चलाते हैं। के ऊपर जो भी बॉक्स वगैरह था वो मैंने फिलहाल हटा दिया है। आपको पता होगा ट्रैक्सल्स के पास बहुत ज्यादा फास्ट चलने वाली कार्स भी है और ऑफ रोड में चलाने वाली कार्स भी है, पर ये एकमात्र ऐसी कार है कि गाइस आप इसको चाहे तो फास्ट से फास्ट चला सकते हो या फिर इसको आप स्लो चला के ऑफ रोड में क्लाइंबिंग वगैरह भी करा सकते हो। आपको पता होगा ऑफ रोड वाली कार जो है ऑन रोड पे बहुत स्लो चलती है, पर ये कार ऐसी है कि गाइस आप इसको ऑफ रोड में भी चला लो बिना कोई दिक्कत के चल जाएगी और रोड पे भी बहुत फास्ट तरीके से चला सकते हो। आपको पता है ये ट्रैक्सल्स की 2-in-1 कार है। आप इसको एक ट्रैक्सल्स डिफेंडर जैसा ऑफ रोड में भी चला सकते हो और ट्रैक्सल्स एक्स मैक्स जैसी रोड के ऊपर एकदम फास्ट भी चला सकते हो। तो चलो गाइस फटाफट से देखते हैं क्या ये कार ऑफ रोड में जितनी अच्छी तरीके से चल सकती है ऑन रोड पे भी उतनी अच्छी तरीके से चलेगी या फिर नहीं। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसको रखते हैं यहाँ पे। लुक काफी ज्यादा डिफरेंट है यार। देखो इतने बड़े बड़े व्हील्स तो यार एक्स मैक्स या फिर XRD के अंदर दिए जाते हैं। इसके अंदर सबसे खास चीज मेरे को लगती है इसका टी लॉक सिस्टम, डिफ लॉक भी बोल सकते हैं। आप इसको हाई लो में भी चला सकते हो, जैसे कि डिफेंडर को आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, इसके अंदर भी वही वाला सिस्टम दिया गया। बाकी इसके पार्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। आपने डिफेंडर के अंदर देखा होगा 550 वाली मोटर दी गई है, पर इसके अंदर दी गई है 775 मोटर। इससे पता चलता है कि ये कार कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। चलो गाइस बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन करके बताऊंगा और आज ये भी बताऊंगा कि इसकी फाइट मैच कौन से कार्स के साथ कराने वाला हूँ। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। देखो गाइस बिल्कुल डिफेंडर जैसा ही रिमोट इसके साथ मिलता है। यहां से आप इसको फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में चला सकते हो। ये दो नॉब्स है, ऊपर की तरफ मेनू और सेट के बटन दिए गए और ये है इसका डिफरेंशियल लॉक करने का स्विच। पैकिंग काफी बढ़िया मेरे को लग रही है। यहाँ पे देखो इस तरह की पैकिंग देखने को मिलती है। कार उल्टी फुल्टी हो चुकी है बॉक्स के अंदर, तो कार को यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं एक बार। तो इसकी एक और खास चीज मेरे को लगती है गाइस, वो है इसके लाइट्स। एक बार इसका साइज मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये कार कितनी ज्यादा बड़ी है ये देखो यार। ओ माय गॉड, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गाइस ये कार इतनी ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। एक बार इसके व्हील्स देखो यार, ट्रैक्सल्स एक्स मैक्स जितने ही बड़े बड़े व्हील्स इसके अंदर दिए गए। तो इसके अंदर और क्या क्या चीजें मिली है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा कवर मिला है यार इसके अंदर। देखो इसके बहुत सारे पेपर्स, यूजर गाइड, वारंटी कार्ड, इस तरह के स्पैनर भी दिए गए हैं इसको ओपन वगैरह करने के लिए। तो फिलहाल बॉक्स को रखते हैं साइड में, अब बात करते हैं इसके बारे में। ओ माय गॉड, देखो यार कितने ज्यादा फ्लफी एकदम सॉफ्ट से व्हील्स इसके अंदर दिए गए हैं ताकि ये बिल्कुल डिफेंडर जैसी ऑफ रोडिंग कर सके। यहाँ पे इस तरह का क्रोम फिनिश भी इसके अंदर देखने को मिलता है। ऑरेंज कलर की रिम इसके ऊपर दी गई है, बहुत ही ज्यादा गजब की ग्रिप दी गई है जैसे कि एक्स मैक्स के टायर्स के अंदर दी जाती है। यहाँ पे समिट की ब्रांडिंग दी गई है, कलर वगैरह एकदम तगड़ा है यार इसका। तो ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा कमाल की दिखाई दे रही है। इसकी और एक खास चीज मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये इसकी बॉडी है। बॉडी के ऊपर देखो इस तरह का फ्रेम दिया गया है, अगर ये पलट भी जाए ना तो सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है इसका फ्रेम झेल लेगा, इसकी बॉडी को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो सामने की तरफ लाइट्स वगैरह दी गई है और ये काम भी करती है गाइस। यहाँ पे भी देखो लाइट्स के जैसा डिजाइन दिया गया है। बाकी ये लाइट्स काम करती है या फिर नहीं मेरे को पता नहीं है गाइस, इसको एक बार ऑन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा। इसी की तरफ भी अगर आप देखोगे ना गाइस, यहाँ पे भी देखो इस तरह की लाइट्स वगैरह दी गई है। जैसे हम ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं या फिर इसको रिवर्स मोड में चलाते हैं तो ये लाइट्स ऑन हो जाती है। नीचे की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इसकी जो बॉडी है कंप्लीटली ABS प्लास्टिक की बनी है। इसके सस्पेंशन आर्म्स काफी बड़े साइज के हैं, इस तरफ का भी आप देख सकते हो कितने ज्यादा चौड़े साइज के दिए गए। बाकी इसको एक बार ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं गाइस इसके अंदर क्या क्या चीजें लगाई गई है। इसको हटाते हैं यहाँ से, ये देखो गाइस इस तरह का जो सस्पेंशन है आपने ट्रैक्सल्स रेवो के अंदर देखा होगा, इसके अंदर भी बिल्कुल उसी
तरह का वर्टिकल टाइप सस्पेंशन दिया गया है। इस तरह का जो सस्पेंशन है ना यार, आप ये कार को कितनी भी ऊपर से फेंक लोगे, सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है ये सस्पेंशन झेल जाएंगे। यहाँ पे देखो, इसके अंदर आपको बहुत सारे सर्वोस देखने को मिलेंगे सामने की तरफ। यहाँ पे बड़ा वाला सर्वो है, इस तरफ भी एक बड़ा सा सर्वो है, यहाँ पे एक छोटा सा सर्वो है, इस तरफ दो छोटे छोटे और सर्वोस दिए गए। शायद ये जो बड़े सर्वोस है इसकी स्टीयरिंग को टर्न कराने में काम आते होंगे। ये छोटे छोटे सर्वोस जो है, मेरे को पता है गाइस, ये इसका डिफलॉक सिस्टम है। बाकी यहाँ पे देखो यार, इसकी बाहुबली मोटर आपको देखने को मिलेगी। ये है टाइटन 775 की मोटर। इस तरफ है इसका ESC, इसका ESC भी काफी ज्यादा बड़ा है यार डिफेंडर कार के मुकाबले में। 16.8 वोल्ट का ESC इसके अंदर दिया गया है। ये कार भी कंप्लीटली वाटर प्रूफ है, पर इसके अंदर एक दिक्कत मेरे को लगी गाइस, वो है इसका बैटरी सिस्टम। यहाँ पे इस तरह के स्लॉट देखने को मिलते हैं बैटरी डालने के लिए। इसके अंदर आप इस तरफ एक 2S की बैटरी लगा सकते हो और ये दूसरी तरफ भी एक 2S की बैटरी लगा सकते हो, यानी कि आप इसको 4S बैटरी से चला सकते हो। मेरे पास फिलहाल 2S की बैटरी नहीं है गाइस, मैं इसके अंदर 3S की बैटरी लगा के चलाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं चलेगी ना तो मैं नई बैटरी खरीदने वाला हूँ 2S की। यहाँ पे देखो, इसका ट्रांसमिशन गियर्स वगैरह दिए गए हैं। पीछे के सस्पेंशन आपको इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। पीछे की तरफ भी एक काफी बड़ा सा बम्पर देखने को मिल जाएगा। ये जो चीज है ना गाइस, देखो कंप्लीटली बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर मेटल की भी यूज की गई है। तो आज मैं इसकी फाइट कराऊंगा बहुत सारी खतरनाक कार्स के साथ, वो भी कार्स आपको एक बार बता देता हूँ। तो आज ट्रैक्सस समिट के साथ फाइट करने के लिए मेरे पास आ चुकी है टोयोटा लैंड क्रूजर। इसको अभी साइज देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा है। फिलहाल इसको मैं रखता हूँ साइड में, और भी बहुत सारी कार्स है वो एक बार फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। और ये है बिग साइज RC थार। आज तो यार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसका भी साइज काफी ज्यादा बड़ा है। देखते हैं गाइस ट्रैक्सस समिट के सामने ये कार टिक पाएगी या फिर नहीं। इसको भी रख देता हूँ। तो ये ऑफ रोडर RC कार्स है, तो अब एक बार स्टेडियम ट्रक को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पता होगा गाइस, ये है ट्रैक्सस की सबसे ज्यादा कमाल की कार। आप ये कार को ऑफ रोड में जितना चाहे उतना स्पीड चला लो गाइस, ये कार बिल्कुल भी पलटती वलटती नहीं है। ये है ट्रैक्सस / RC कार, ये बहुत स्पीड से चल सकती है गाइस, ऑफ रोड में भी और रोड पे भी। आज इसकी रेस कराएंगे अपनी ट्रैक्सस समिट के साथ। तो गाइस पहले इन दोनों के बीच में देखो, मैं आपको फटाफट से कंपैरिजन करके बता देता हूँ। नो डाउट गाइस, ट्रैक्सस समिट जो है बड़ी वाली थार से भी काफी ज्यादा बड़े साइज की लग रही है। देखो गाइस व्हील्स के बीच में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं ना, तो आप शॉक होने वाले हो। इसके व्हील्स देख लो और इसके व्हील्स देख लो, इतने बड़े बड़े व्हील्स दिए गए यार ऑफ रोड में चलाने के लिए। इन दोनों की हाइट में तो भाई जमीन आसमान का फर्क है। इसकी हाइट देखो यार, एकदम एवरेस्ट की पहाड़ जैसी दी गई है। इसकी हाइट देखो थोड़ी सी कम है, इस वजह से ये एकदम स्टेबल तरीके से चल सकती है। बाकी इसको हटा के अब रखते हैं इसके साइड में। ये आप देखो गाइस, हुई ना बात, ये देख लो लैंड क्रूजर समिट से भी ज्यादा ऊंची है यार। इसका वेट भी जो है गाइस इसके बराबर में ही दिया गया। आपको पता होगा टोयोटा की लैंड क्रूजर ऑफ रोड में कितनी मस्त तरीके से चल सकती है। देखते हैं आज इन दोनों के बीच में कीचड़ में दलदल में चला के दोनों में से कौन जीतता है। तो गाइस अभी अभी इसके अंदर मैंने यार 3S की बैटरी भी लगा के देखा है, ये कार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो अभी मेरे को इसके 2S के दो बैटरीज आने तक वेट करना पड़ेगा, शायद वो कल या फिर परसों तक आ जाएंगे। उसके बाद इसका पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा। पार्ट 2 वाले वीडियो के अंदर मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ बड़ी वाली थार के साथ, बड़ी वाली लैंड क्रूजर के साथ और ट्रैक्सस / के साथ। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ही होती है खत्म। मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है नीरज, विनीत, कशान, सायनकार, दीपांशु, गुरनूर, रोहित, रोशन, आयुष, दीपक, थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।